नाम इमरान असलम खान है और मैं स्काई विंग्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कि एक फ्लाइट जहाज जो है हमने सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की उस थीम में कन्वर्ट किया है कि जो काफ़ी मशहूर वाक़ा था जिसमें अभिनंदन ने हमारे यहाँ की चाय बहुत पसंद की थी। और ये एक रिमाइंडर है, हम बता देना चाहते हैं कि जब भी हमारे ऊपर एग्रेशन करने की कोशिश की जाएगी, जब भी हमारे ऊपर इस तरह का हमला किया जाएगा, तो उस इंडिया को उसकी कीमत जो है वो जहाज़ की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग कर्डियस हैं, हम लोग मेहमान नवाज हैं, हम चाय ज़रूर पिला के भेजेंगे। और इसके साथ साथ हम अपने उन डिफेंडर्स ऑफ पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं कि जो हमारी कौम के हीरो हैं, कि जो हमारे वतन के दिफा में हर वक्त तैयार रहते हैं, उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम उनके साथ, पूरी कौम उनके साथ खड़ी हुई है। और वो अपने आप को बिल्कुल ये ना समझें कि पूरी कौम की सपोर्ट उनके साथ नहीं है, हम सब उनके साथ हैं, पूरी कौम उनके साथ है। और उसके साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ये बता सकें कि ये सारे वाक़यात पे दर पे होते क्यों हैं और क्यों इंडिया हमारे ऊपर बार बार एग्रेशन करना चाहता है। इंडिया के जो ये एग्रेशन है ये 1948 से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 1949 में रेजोल्यूशन आती है। 1949 की रेजोल्यूशन के मुताबिक प्लेबिसाइट होना तय पाता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, वो एग्री करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो रेजोल्यूशन जो है वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। उसके बाद एक 1999 की रेजोल्यूशन 1264 है, जो कि ईस्ट टिमोर के ऊपर आती है और उसको फौरन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो क्या कश्मीरी या पाकिस्तानी जो हैं वो उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? आर दे दी चिल्ड्रंस ऑफ लेसर गॉड? तो पूरी दुनिया को इसके बारे में नोटिस लेना चाहिए कि अमन कायम नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं कर दिया जाएगा। और आपने देखा होगा कि इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, वो हिंदी में लिखने का मकसद यही है कि 1 अरब और 20 करोड़ इंडिया के आवाम देख सकें कि जब उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, उनकी एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसकी सारी की सारी सियासत ही नफरत के ऊपर बेस करती है, उसको वो ये पैगाम दें कि अपने लोगों को नुकसान ना पहुँचाएँ, अपने जो बजट वो राफेल में और इस तरह के तैयारों में खर्च कर रहे हैं उसके बजाय उनको उस बजट को गुरबत हटाने के लिए, उस बजट को तालीम के लिए, उस बजट को अफलास हटाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस खत्ते में खुशहाली आए। तो बेसिकली मकसद यही है कि कश्मीर के लिए ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, कश्मीरियों को ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम उनके साथ है। हमारे जो डिफेंडर हैं उनके लिए ये एक ट्रिब्यूट है कि उनको ये जो चीज़ें अभिनंदन या बाकी हमने वाक़यात को डिपेक्ट किया है, तो उसके साथ साथ हमारे हीरोज़ की तस्वीरें हैं। इसमें हसन सिद्दीकी की तस्वीर है, हसन सिद्दीकी की तस्वीर के साथ इसमें एक मंजरकशी की गई है कि किस तरह इंडिया का जहाज़ गिराया जा रहा है और उसके बाद पैराशूट से अभिनंदन उतर रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो इसमें एमएम आलम की तस्वीर है, एमएम आलम जो F-86 सेबर जहाज़ से उन्होंने इंडिया के जहाज़ गिराए थे, उसकी तस्वीर कशी की गई है। यह एमएम आलम की तस्वीर और हसन सिद्दीकी की तस्वीर जो है वो बनाने का मकसद ये है कि हम उनको ये पैगाम दें, हम अपने डिफेंडर्स को ये पैगाम दें कि हम अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखते हैं और इंशाल्लाह हम उनकी इसी तरीके से रिस्पेक्ट करते रहेंगे, इसी तरीके से उनको प्यार और मोहब्बत देते रहेंगे। तो बेसिक मकसद भी ये सारे सब कुछ इस जहाज़ को आर्टवर्क में कन्वर्ट करने का प्यार और मोहब्बत का ही पैगाम है। अगर जहाज़ के ऊपर आप देखेंगे तो दो सिम्बल्स बने हुए हैं जो कि अमन और प्यार के सिम्बल हैं। तो जहाज़ का नाम भी हमने पीस एंड लव के नाम से ही डेडिकेट किया हुआ है।